Hello learners, welcome to my YouTube channel Ruchika Education Hub. Student, आज हम यूनिट 3 में से सेकेंड टॉपिक है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे आज हम पढ़ेंगे. मीन्स स्टेजेस किसे दी थी? जीन पियाजे ने. तो जो हम जीन पियाजे की थ्योरी जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. According to Piaget, cognition is that knowledge of an individual which it acquired by coming in contact with environment, and it involves many mental activities like thinking, reasoning, perception and problem solving which go on continuously. ठीक है कि पियाजे ने कहा है कि कॉग्निशन इज दैट. कॉग्निशन क्या है? कहते हैं कि ऐसी नॉलेज है किसी भी इंडिविजुअल की जो एक्वायर करता है जब वो कॉन्टैक्ट में आता है, चाहे किसी एनवायरनमेंट में आता है. कहते हैं जब एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो क्या करता है? नॉलेज को गेन करता है. ठीक है. एंड इट इन्वॉल्व मेनी मेंटल एक्टिविटीज. और कहते हैं बहुत सारी मेंटल एक्टिविटीज है उनको भी वो इन्वॉल्व करता है, जैसे थिंकिंग हो गई, रीजनिंग हो गया, परसेप्शन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो गई, और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस कहते हैं चलता रहता है. ठीक है. पियाजे कॉग्निशन थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंटल थ्योरी. इसे हम क्या कहते हैं? और डेवलपमेंटल थ्योरी कहते हैं बिकॉज पियाजे बिलीव दैट द डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निशन इन द चाइल्ड पासेस थ्रू सेवरल स्टेजेस. ठीक है कि जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है बच्चे की वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होती है. ठीक है. उसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दे रखी है, 4 स्टेजेस दे रखी है उन्होंने उसके लिए. ठीक है, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहते हैं. It is also known as stage theory because the structure and the nature of the child cognition is different in different stages. ठीक है. कहते हैं जो 4 stages दे रखी हैं, हर एक stage पर जो क्या है nature of the child cognition की जो nature है कहते हैं वो different होती है, इसलिए हम उसको stage theory भी कहते हैं. The stage is concerned in Piaget theories. ठीक है, जो theories पे depend means दे रखी है. ठीक है. जिन Piaget का जो birth है थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में. जो उनका birth है वो होता हमारा 9 अगस्त 1896 में, और इनकी डेथ हुई थी 16 सितंबर 1980. ठीक है. तो ये जीन पियाजे जी का बर्थ हुआ था 1896 और उनकी डेथ हुई 16 सितंबर 1980 में. ठीक है. जीन पियाजे को हम फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं. ठीक है कि जिन पियाजे को हम क्या कहते हैं? और फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी. ओके, देखो हमने बात करी कि इन्होंने क्या कहा, इसको स्टेजेस की थ्योरी भी कहा है. तो इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है. ठीक है. तो 4 स्टेजेस क्या है? सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 to 2 इयर्स की होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 इयर्स की है, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 to 11 इयर्स की है, और फोर्थ स्टेज है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन 12 इयर्स ऑनवर्ड चलती है. ठीक है, 12 से आगे चलती है. ठीक है. इसको अगर हम याद करना चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं SPCF. मीन सभी का फर्स्ट लेटर ले लिए, स्टेज को अपना कंसिडर करो, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है तो इसको हम SPCF से भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेट के एग्जाम के अलावा ये B.ED, M.ED, M.A. एजुकेशन, ठीक है, इन सभी के लिए ये टॉपिक जो है बहुत हेल्पफुल है. डिफरेंट जितने भी आप एग्जाम दोगे एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो TET हो गया, नेट हो गया, कोई सब एग्जाम दोगे, जिन पियाजे की थ्योरी के बिना वो पेपर कंप्लीट नहीं होता. कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से आता है. समटाइम तो आपसे स्टेजेस ही पूछ ली जाती हैं. ठीक है कि सेंसरी स्टेज में कौन सा ईयर्स आते हैं, या 2 to 7 ईयर में कौन सा स्टेज है, सेकेंड नंबर पे कौन सी स्टेज है, या इसका सीक्वेंस ही ठीक करके बताइए. ये सीक्वेंस आगे पीछे दे रखा होगा तो सीक्वेंस ठीक करके बताइए. तो डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो आपके इस पॉइंट से भी बन जाते हैं कि स्टेजेस कैसी हैं. तो इसको हम SPCF से भी याद कर सकते हैं, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल. ठीक है. देखो सबसे पहली स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 to 2 इयर्स तक चलती है. In this stage, the basis of intellectual development of child is formed. ठीक है. इसमें क्या कहते हैं? बच्चे का क्या बनता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है. 0 to 2 इयर्स का साल है बच्चे का. In this, the child experience objects, sound, touch, टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है, अब जो 2 साल का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, तो सबसे पहले क्या चीज़ों को, सबसे पहले क्या एक्सपीरियंस करता है वो अपनी लाइफ में? चीज़ों को छू कर देखता है, साउंड सुनता है, टच करता है, टेस्ट करना सीखता है, स्मेल करना सीखता है। तो ये सारी सेंसेस जो है उसकी इसमें काम करती हैं। इन द मिडिल पार्ट ऑफ दिस स्टेज द चाइल्ड लर्न टू वॉक एंड स्पीक। ठीक है, 0 से 2 साल के बीच में, जब वो बीच में बहुत मीन्स 1 साल तक पहुंचता है बच्चा, 1 साल से कम भी बच्चा जो है वो क्रॉल करना शुरू कर देता है, क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है। 1 साल तक बच्चा जो है वो वॉकिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा होता है बच्चा मीन्स 1 पॉइंट कुछ और मंथ जोड़ लो साथ में, तो बच्चा जो है वो बात करना, स्पीकिंग स्किल जो है उसकी वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो इसमें स्टार्ट हो जाती हैं। इस स्टेज में जो है बच्चा जो है वो ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, इस स्टेज में जो है ना, इस जो पर्टिकुलर स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हमने ना बेसिकली हमने आगे फिर सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सब स्टेजेस भी दे रखी है सेंसरी मोटर की। ठीक है, 0 टू 2 साल के बच्चे को जो है इन्होंने फिर आगे 6 स्टेजेस में जो है वो डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज है मेरे पास स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि मीन्स फर्स्ट 30 डेज हम बात कर लें कि जो फर्स्ट 30 डेज है बच्चे के, उसी में जो है ये स्टेज आ जाती है। ठीक है, कि जिसमें बच्चा क्या करता है, जब बच्चा 30 डेज का है तो उसमें बच्चे क्या करना सीखेगा? देखो 3 चीजें वो सीखता है इसमें, सकिंग, लुकिंग एंड ग्रास्पिंग, या फिर उसको ग्रिपिंग कह लीजिए आप। ठीक है, सक करना, देखना इधर उधर, और ग्रिप करना मीन्स दूध को पकड़ना। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटी, 1 टू 4 मंथ की एक्टिविटी है ये। ठीक है, इसमें जो बच्चा जो है कि 2 चीजें मेन सीखता है, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अब असिमिलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है? असिमिलेशन क्या है मींस जब 1 टू 4 मंथ का बच्चा है तो असिमिलेट करना होता है, कि मींस पहले से जो आपके मन में कुछ कॉन्सेप्ट बन रखे हैं। ठीक है, अब 1 टू 4 मंथ का बच्चा है तो ज्यादा उसमें मन क्या कितने कॉन्सेप्ट बने होंगे। ठीक है, सपोज उसको एक कोई भी चीज जो है वो होल्ड करना सीख ली है उसने। ठीक है, तो अगर उसको आप छोटी चीज दो, बड़ी चीज दो, तो कहते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। सपोज आपने बच्चे को बॉल दी है, ठीक है, या कोई टॉय दिया है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट 30 डेज में क्या क्या सीखा, उसमें उसको सक करना सीखा, तो हर एक चीज को वो मुंह में डालता है, उसके हिसाब से सब कुछ मुंह में डालने के लिए है। ठीक है, तो कहते हैं वो जो पहले से परमानेंस बना हुआ है उसका, उसी अकॉर्डिंग वो काम कर, दैट इज असिमिलेशन, कि जो पहले से उसके दिमाग में चीज चल रही उसी के अकॉर्डिंग उसने अगली चीज को भी उसने असिमिलेट कर लिया। और अकोमोडेशन होता है कि जो मान लो कि बच्चा ने अब आपने छोटे ऑब्जेक्ट या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट उसको हाथ में दे दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसको फिर से मुंह में डाल लिया, लेकिन उसने देखा कि जो पहले सामान दिया था वो तो जल्दी से मुंह में चला जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये जो सामान है ये मुंह में जाने का, शायद मुझे मुंह बड़ा करना पड़ेगा, या फिर इसका कुछ और एक्टिविटी है। ठीक है, मीन्स जब वो चीजों का नया यूज करना सीख जाता है तो उसको अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी, जो कि 4 टू 8 मंथ की होती है। ठीक है, 4 टू 8 मंथ की होती है। इसमें बच्चे की जो हैबिट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्या जो हैबिट्स बनती हैं वो इसमें आती हैं। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, 8 टू 12 मंथ। इसमें जो बच्चा है जो है वो ऑब्जेक्ट की परमानेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की परमानेंस कौन सी स्टेज में आती है? वैसे तो टोटल स्टेज हो जाएगी, सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। क्वेश्चन बहुत बार जो है वो नेट के एग्जाम में और डिफरेंट टैट के एग्जाम्स में जो है वो आ जाता है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस जिन प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग कहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है, और अगर पर्टिकुलर हमसे पूछ ले जाए कि कौन से मंथ में आती है तो 8 टू 12 मंथ के बीच में जो है वो परमानेंस जो है बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 टू 18 मंथ, जिसको स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटी भी कहा जाता है। इसमें बच्चा जो है वो सिमिलर एक्शंस को रिपीट करना सीख जाता है। ठीक है, सिमिलर, जैसे मान लो किसी चीज को थ्रो कर रहा तो उसको थ्रो ही करता रहेगा, जैसे बॉल थ्रो कर रहा तो आप कुछ और दे दोगे वो भी, उसको भी थ्रो करता रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की परमानेंस आ गई है उसके अंदर, तो इसमें रेपिटेशन हो जाती है चीज़ों की, वो चीज़ों को बार बार मीन्स सेम चीज़ों को वो रिपीट करेगा। ठीक है, लास्ट स्टेजेस में स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कंटिन्यूएशन। ठीक है, 18 से 24 महीने का बच्चा हो गया आप। ठीक है, ये कुछ चीज़ों को सिम्बॉलिकली भी समझ जाता है, कहते हैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को ये सिम्बॉलिकली जो है वो थॉट्स जो है उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल के बीच में चलती है। इन दिस स्टेज चाइल्ड एक्वायर नॉलेज थ्रू कॉन्टैक्ट विद अदर, इसमें बच्चा कैसे कैसे सीख रहा है चीज़ों को दूसरों के कॉन्टैक्ट में आकर। Not being self-centered, there is a change in the recognition ability of child, words, knowledge increase. ठीक है, तो बेटा ये जो स्टेज होती है ना इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले ये ईगोसेंट्रिक होती है, किस दुनिया से जो है और मेरे ही लिए ही है, सूरज चमक रहा है तो वो मेरे लिए ही है, हर एक चीज जो है वो मेरे लिए है, तो वो क्या हो जाता है ज्यादा ईगोसेंट्रिक हो जाता है। सेकेंड आ जाएगा, इसको इस स्टेज में जो है बच्चा जो है बेसिकली सिंबॉलिकली चीज़ों को सीखता ज़्यादा, जैसे उसमें भी आ गया था 0 से 2 के बीच में लास्ट स्टेज पे, मीन जब वो 2 ईयर्स का पहुंचा था तब तक उसमें सिंबॉलिक आ गए थे, इससे बच्चा सिंबॉलिकली चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है वो समझ जाता है। ठीक है, इससे बच्चा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। ठीक है, इसमें बच्चा आर्टिकुलेशन सीखता है, है ना, को दूसरों को देख के सीखेगा, आर्टिकुलेशन सीखता है भी। ठीक है, इसमें बच्चा जो कहते हैं वो जो एनिमिज्म होता है, मींस जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसको भी लिविंग थिंग की तरह ही ले लेता है। ठीक है, जैसे बच्चे जो टॉयज के साथ खेलते हैं ना, डॉल्स के साथ खेलते हैं या कार के साथ खेल रहे हैं, तो उनको कैसे प्रोजेक्ट करते हैं कि बिल्कुल वो ओरिजिनल ही है। जैसे वो अगर कोई बच्चा जो डॉल के साथ खेल रहा है तो क्या करेगा, उस डॉल से बातें करेगा, उसको सुलाएगा, उसको खिलाएगा, तो मींस वो नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग की तरह ही समझते हैं। ठीक है, अब गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में वैसे बात करते करते चला रहे होते हैं कि गाड़ी इधर जा रही है उधर जा रही है। ठीक है, मीन्स वो क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भी लिविंग थिंग की तरह ही वो परसीव करते हैं चीजों को। ठीक है, थर्ड है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 ईयर्स तक चलती है। इन दिस स्टेज मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, ठीक है, इसमें क्या हो जाते हैं ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हो जाते हैं। एंड दे कैन अंडरस्टैंड द ट्रुथ, और वो सच्चाई जानने शुरू हो जाते हैं कि लिविंग थिंग्स अलग हैं, नॉन लिविंग थिंग्स अलग हैं। दे कैन नाउ अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन 2 इवेंट्स। ठीक है, द मेजर एबिलिटी डेवलप विद इन चाइल्ड्स आर, जो मेजर एबिलिटीज में डेवलप होती है वो क्या होती है, कंजर्वेशन, न्यूमेरिएशन, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप। कहते ये सब मीन्स कंजर्वेशन करना चीज़ों को, न्यूमेरिकल वैल्यू को समझना, 2 लोगों के बीच का रिलेशन समझना, किस चीज़ को क्लासिफाई करना, सीरियल्स को, सीरियल नंबर्स को समझना, ये सब चीज़ें जो इसमें वो बच्चा जो है वो सीख जाता है। अब हमने सेकेंड स्टेज में बात करी कि बच्चा क्या होता है, ईगोइस्टिक होता है, इसमें वो ईगोइस्टिक वाली चीज़ जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, नो मोर ईगोइस्टिक, अब बच्चा ज़्यादा जो है वो ईगोइस्टिक नहीं रहता है। राइट, इससे बच्चा क्लासिफिकेशन सीखता है। ठीक है, जनरलाइजेशन सीखता है इसमें। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स है वो आप पूछ लेते हैं आपसे, ज्यादा वो जनरलाइजेशन सीखता है, लॉजिकल चीजें सीखना शुरू कर, लॉजिकल थिंकिंग जो इसमें आनी शुरू हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, ये सब चीजें जो है बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा जो है वो सीखने शुरू कर देता है। ठीक है, कंक्रीट क्या होता है पहले किसी को पता है, कंक्रीट क्या होता है, जो चीज सामने दिख रही है। ठीक है, वो होती है हमारी कंक्रीट, और अब्स्ट्रैक्ट जो चीज हमें सामने नहीं दिखती है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो चीज सामने हमें नहीं दिख रही है। 4 स्टेज, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, ये चलेगी हमारी 12 ऑनवर्ड। ठीक है, 12 साल से शुरू होगी, उसके आगे वो चलती रहेगी। दिस स्टेज स्टार्ट अराउंड एडोलेसेंट पीरियड, दैट इज 12 ईयर। इन दिस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप विद इन द चाइल्ड इज एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। ठीक है, कितने ज्यादा बच्चा जो ज्यादा लॉजिकली सीखना शुरू कर देता है। इन दिस चाइल्ड यूजली प्रोजेक्ट हिज रियल एक्सपीरियंस इन इमेजिनेटिव सिचुएशंस। ठीक है, एंड ट्राइज टू प्रूव देम ट्रू बाय मेकिंग हाइपोथेसिस, बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, regarding different type of events, development of the ability to understand realities and unrealities। ठीक है, बच्चा ज़्यादा लॉजिकली हो जाता है, हाइपोथेटिकली सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, उसमें कहते हैं एबिलिटी आ जाती है चीज़ों को रियलिटिक, कहते हैं रियलिटी में कौन सी चीज़ है, अनरियलिस्टिक कौन सी चीज़ है, ये सब चीज़ें सीखना जो बच्चा शुरू कर देता है। ठीक है, देखो इसमें क्या कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी। जब बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी तो कहते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू हो जाएगा। अगर बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहा है तो कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द रियल एक्सपीरियंसेस, तो रियल एक्सपीरियंस को ले पा रहा है। अब कहते हैं वो उसमें एबिलिटी के हाइपोथेसिस बना सके, मींस टेंटेटिव सॉल्यूशन सोच सके अपनी प्रॉब्लम का। हाइपोथेसिस क्या होती हैं हमारी? टेंटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं ये किसी भी प्रॉब्लम के। ठीक है, क्या है ये? टेंटेटिव सॉल्यूशन है, मींस जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका वो सॉल्यूशन ढूंढ पा रहा है। कहते हैं रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक नॉलेज को जो है वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि कौन सी चीज रियल है कौन सी अनरियल है। ठीक है, इसमें बच्चा जो इसको इस एज को हम गैंग एज भी बोलते हैं। ठीक है, इस एज को हम गैंग एज भी बोलते हैं। इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त चीजों को देखने की क्षमता जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे पिछले कंक्रीट थी, इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मींस जो चीज दिख नहीं रही है उसकी वो इमेजिनेशन कर ले रही है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो उसके रिजल्ट्स ये आएंगे। ठीक है, दिख नहीं रहे लेकिन वो इमेजिनेट कर पा रहा है, उन चीजों को समझ पा रहा है वो। ठीक है, हाइपोथेटिक थिंकिंग आ जाएगी। ठीक है, डिडक्टिव थिंकिंग आ जाएगी बच्चे के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी बच्चे के अंदर। ठीक है, ये सारी एबिलिटीज जो हैं बच्चों के अंदर जो है इसमें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, कौन सी? गैंग एज कहते हैं इसको, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकली टेंटेटिव सॉल्यूशन सोच लेता है वो, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है उसके अंदर। ये सब चीजें जो है स्टेज 4 में जो है वो बच्चों में अंदर आ जाती हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी 4 स्टेजेस की। देखो सबसे पहले हमारी सेंसरी 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, कंक्रीट 7 to 11 और फॉर्मल 11 टू ऑनवर्ड या 12 टू ऑनवर्ड कर सकते हो आप इसको। ठीक है, देखो सेंसरी मोटर में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, लैंग्वेज यूज फॉर डिमांड्स एंड कैटलॉगिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, चीजों के लिए वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं। मोटर रिस्पॉन्स मींस हाथ पैर चलने शुरू हो जाते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन आना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेज है सिंबॉलिक थिंकिंग। ठीक है, इसमें क्या सिंबॉलिकली बच्चा सोचना शुरू कर देता है, यूज ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स एंड ग्रामर टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो अच्छे से शुरू कर देता है। इमेजिनेशन एंड इंट्यूशंस स्ट्रांग हो जाती हैं इसमें, बट कम्प्लेक्स अब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है वो स्टिल डिफिकल्ट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, प्री ऑपरेशनल में कॉम्प्लेक्स चीजें जो है, ये जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो इतनी अच्छी इसमें नहीं आती है। कंजर्वेशन इज डेवलप्ड, और जो कंक्रीट है कहते हैं कंक्रीट अटैच टू कंक्रीट सिचुएशंस, टाइम स्पेस क्वांटिटी आर अंडरस्टूड एंड कैन बी अप्लाइड। ठीक है, बच्चा कहते हैं 7 से 11 साल में क्या सीख जाता है? टाइम के बारे में, स्पेस के कॉन्सेप्ट, क्वांटिटी के बस कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से बच्चा सीख जाता है और उनको कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करना है वो भी सीख जाते हैं, बट नॉट एज अ इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है उनको नहीं वो समझ पाता है उतना, या थोड़ी उसमें प्रॉब्लम आती है। 11 ऑनवर्ड क्या आ जाएगा? थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकली, कॉन्ट्रोफैक्चुअल थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी आ जाती है बच्चों में, स्ट्रेटजी और प्लानिंग करना शुरू कर देता है उसमें हो सकती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट कैन बी अप्लाइड इन अदर। ठीक है, कि अगर मान लो उसने कोई एक चीज सीखी है तो उसको दूसरी जगह पे कैसे अप्लाई करना है वो बच्चे के अंदर जो एबिलिटी जो है वो आ जाती है। हमने कहा कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, वो सोच लेता है, हाइपोथेसिस बना लेता है वो। ठीक है, जब फॉर्मल स्टेज आती है तो हमने आज पढ़ी सिगमंड फ्रूड की थ्योरी। इसके कुछ क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, SPCF करके इसको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एट वर्स्ट स्टेज द चाइल्ड बीइंग टू थिंक लॉजिकल अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कौन सी स्टेज में करता है? सेंसरी में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट में या फॉर्मल में? ठीक है, तो राइट ऑप्शन है इसका कंक्रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड अज्यूम अबाउट इमेजिनरी ऑडियंस इन विच स्टेज। इमेजिनरी ऑडियंस के बारे में कब सोचना शुरू करता है कहते हैं, एंड व्हाट इट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट सेंसरी मोटर, गोल डायरेक्टेड एक्शंस, प्री ऑपरेशनल कलेक्टिव मोनोलॉग्स, कंक्रीट ऑपरेशनल रिवर्सिबिलिटी, फॉर्मल ऑपरेशनल एडोलेसेंट इगोसेंट्रिक। ठीक है, तो उसका राइट ऑप्शन है हमारा लास्ट, फॉर्मल ऑपरेशन एडोलेसेंट इगोसेंट्रिक। According to Piaget, during the first sensory motor sub-stage, infant behave as first sensory motor जो stage है उसमें बच्चा कैसे behave करता है? कहते हैं reflexive, maladaptive, unchanging या reinforced। तो वो आ जाएगा reflexive। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।